ही स्रोतियां का स्वागत है जिथे किसानी संघर्ष अपने चरण पड़ा दे उत्ते है उत्थे ही पंजाब का संघर्ष किसानों का संघर्ष होर ज़्यादा तिखा मोदी सरकार के विरुद्ध लगातार पंजाब दे विचों जो जथियां दे रूप च संगत दे रूप दे विच दिल्ली वल नूं कूच कर रहे ने। आओ अज साढ़े नाल कुछ किसान वीर ने और ये भी अपनी ट्राली लैके संगत लैके जो कि दिल्ली बार्डर दे उत्ते मोदी सरकार दे नाल दो हाथ करन लई बिल्कुल तैयार ने। आओ इन्हां दे नाल गलबात कर लैने आ जी। की कहना जी तुहाडा मोदी सरकार ने जिहड़े बिल पास किए ने और किसानी संघर्ष दे बारे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो साड़ी सीधी लड़ाई ये है जी कि आर पार की लड़ाई है साड़ी मोदी नाल। बिल आ हाँ या ना करूँगा तो फिर अही साड़ी जीत्या। अही अमृतसर तो आए हाँ, पिंड कमोह है साड़ा, तो दसवें पातशाह ने पहली जंग जीती आ चमकौर साहब दे विच। ते बाबा जीत सिंह उदों पैदा होया, उन्हां दा नाम जीत सिंह रख्या। ये खालसे ने उहदा जन्म ले दिता गुरु गोबिंद सिंह बाजां वाले ने। तो मतलब ये आ भी सिखां ने जित करके तो फिर दिल्ली वापस आना आ। इन्हां दी जित अवश्य प्राप्त आ, ये हौसले बुलंद आ। निके निके बच्चे आ वेखो साडे नाल आए आ, तो इन्हां ने सानू अहीं अगे 12 दिन ला के आए उत्थे दिल्ली दे विच, ते सानू तो इत्थे नींद नहीं आई। साडा फिर जनून जाग उठिया भी अहीं चलो दोबारा फिर दिल्ली चलीए। सानू तो इत्थे ओपरा ओपरा लगन डिया सी, अहीं दिल्ली दे विच जाके तो अपना संघर्ष जारी रखिए तो अहीं जित के आवांगे। आ वेखो निके निके बच्चे जिहड़े पढ़न वाले आ, इन्हें अज पेपर दिता आण के ट्राली दे विच, ते ये भी इहनूं भी नाल लिआंदा जी। तुसीं किसानी संघर्ष दे विच अपनी पढ़ाई नूं छड्ड के जा रहे हो जां पढ़ाई नूं नाल नाल कर रहे हो? नहीं सर, पढ़ाई नूं नाल नाल कर रहे हां। ठीक है जी। और जिहड़ा ये किसानी संघर्ष चल रहा है, इन्नी ठंड के बावजूद जो ठंड का असर वह किसानों पर है या नहीं है? नहीं जी, ठंड का कोई असर नहीं गा। अहीं तो पोह दे महीने दे विच पानी लाने, ठंडा पानी हुंदा, ते ये गवर्नमेंट सानू वाछड़ा पाउंदी पानी दे, सानू तो कोई असर ही नहीं पानी का। अहीं तो ठंड तो थोड़ा डरदे हां, ठंड दे विच ते अहीं सुत्ते हां वेखो जाके, कोई परवाह नहीं सिखां नूं ठंड दी। तुसीं साडे मीडिया दे राहीं पी न्यूज़ 13 दे राहीं तुसीं मोदी सरकार तक मोदी सरकार नूं की कहना चाहुंदे हो? मोदी सरकार कादी आ जी, गंदी सरकार आ, इहनूं भैण चोद नूं गाल तां नहीं कढ़नी चाहीदी पर है बहुत माड़ा। ये इन्ना कु माड़ा आ, इहनूं पता ही नहीं साढ़े सिखां दा, इहनां इतिहास ही नहीं पढ़िया भी इहनां नाल साढ़े नाल बण की जाऊगा। ये सिख कौम तो एक ओ आ, ये तो झंडा छड़ के डंडा फड़ लैण ते तां ये बुलंदियां ते चढ़ जांदे आ। और सरकार वल्लों ये जोड़िया जा रहा है कि ये जो संघर्ष चल रहा है इहदे विच खालिस्तान दे नाल इहनूं जोड़ के देखा जा रहा, उहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? वेखो जी, इह दिल्ली च इहनां खुद खालिस्तान बना लिया सिखां नूं सद के, इह ते वड्डा पंजाब दिल्ली दे विच आप खुद बना लिया इहनां ने। इहनां ने सारी पहलां व्योंद बनाई आ, ये पढ़े लिखे कादे आ, ये तां पढ़ां नालों माड़े आ, ये जिमींदारां नालों माड़े ज़्यादे आ। इहनां नूं अकल ही है नहीं गी भी अहीं किहड़ा विच कढ़णा किहड़ा नहीं देना, किहड़ा की गल की बात। ये तो जिमींदार किसे नूं पुछ लो ते उह कहूगा भी आह बिल पास नहीं होने चाहीदे। और साढ़े नाल इन्हां दे नाल ही इन्हां दे जथे दे विचों ही साढ़े नाल किसान आगू मौजूद हन। तुहाडा नाम जी? मेरा नाम कमरदीप सिंह, मैं ही वासी अमृतसर पिंड कंबोह। तो मैं मोदी जी नूं एक गल पहुँचा देनी चाहती तुहाडे माध्यम राही कि ये ना समझन कि इकला किसानां दा इस वक्त मोर्चा रह गया है। हरेक वर्ग का हरेक प्रोफैशन नाल संबंध रखने वाला इंसान अज इहदे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा चोर के चलिया होया है, तो कामयाबी 100% है। अज दे रहे 10 दिन दे रहे महीने दे रहे कोई परवाह नहीं, असीं बैठे हाँ अमृतसर पूरे रोज़ नाल चल रहे हाँ, तो चढ़दी कला है सारिआं दी। जो बोले सो निहाल। सो ये सन साढ़े नाल किसान वीर जिन्हां ने अपने विचार मोदी सरकार बारे दसे और मोदी सरकार नूं रज के कोसिया इस बिलां दे आर्डिनेंस दे जो बिल पास किए ने। नवदीप पटवालिया दे नाल नरेंद्र चीमा दी रिमोट लोडोवाल टोल प्लाजा।